राम राम कोडर्स, कैसे हो आप सब। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो गाइस वीडियो के माफ करना, कैमरा क्वालिटी खराब हो गया है थोड़ा सा, वेरी इंप्रूव इट। ठीक है, ओके। तो जोश वैसे ही हाई है। ये क्वेश्चन डी, इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं उतना। क्विकली क्वेश्चन समझ लेते हैं अपने व्हाइट बोर्ड जाकर। ठीक है, क्या बोले क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन बोले आपको एरे दे देगा। ठीक है, मान लो आपको एरे दे दिया मैं, 1 2 3 3 3 5 इस टाइप का एरे दे दिया। और आप क्या कर सकते हो, आप कुछ हर एक एरे का एक एलिमेंट कुछ कुछ लोगे मॉक के, बेसिकली आपको मिनिमम मॉक्स को विदा करना है, निकालना है, सच दैट देखो मान लो कि ये मॉक चला गया। ठीक है, इसके पास इसका वैल्यू क्या था, 8, मतलब इसके पास 8 रुपया था। तो ये क्या करेगा, कुछ कुछ रुपया कुछ कुछ लोगों को दे देगा जिसको इसकी इच्छा है। ये अपनी इच्छा से कुछ रुपया कुछ लोगों को देके चला जाएगा, बस। जरूरी नहीं है सारा रुपया देगा, इसका जितना इच्छा हो तो दे सकता है, बट हाँ 8 से ज्यादा दे नहीं सकता। क्यों, क्योंकि तो 8 से ज्यादा इसी के पास नहीं है, 5 6 7 कितना भी दे सकता है, दे देगा ये। मानो ये जब गया खुद तो कट गया, या इसका इच्छा हो इसको 2 रुपया देने का, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, और ये बोला मैं दूंगा ही नहीं, बाकी कितना 3 रुपया इसके पास बच गया। ठीक है फाइन, तो जो बच गया वो गायब हो गया, वो आपको नहीं देखना है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपको कुछ मॉक्स को निकालना है, सच दैट कि जितने मॉक्स बच रहे हैं ना, जितने लोग बचे सबके पास इक्वल पैसा होना चाहिए। आई बिलीव समझ पा रहे होंगे, मैं बोलता हूँ मान लो 1 2 3 है। ठीक है, अभी सबके पास इक्वल पैसा तो नहीं है, नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ भाई तू 1 रुपया इसको दे दे, तो 1 रुपया इसको दे देगा, ये 2, इसका 2 बचा, ये 2 लेके चला गया, दैट्स नॉट आवर बिजनेस। तो अभी जितने लोग बचे हैं सबका 1 रुपया सेम है, तो आंसर इज 1, एक मॉन्क को निकाल रहे हैं तो अपना काम बन जा रहा है। समझ में आया, इसका खुद करके मेरे को बताइए पहले, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं। चलो पहली बात, आपको मॉन्क को निकालना है, तो पहला ऑब्जर्वेशन कॉमन सेंस आपको ये आना चाहिए कि हम लोग सबसे ज्यादा पैसा वाला मॉन्क को निकालेंगे, क्योंकि अगर आप इस मॉन्क को निकालो या इस मॉन्क को निकालो, काउंट तो 1 ही होने वाला है ना, आंसर में इंक्रीमेंट तो 1 ही होगा। आपका आंसर को मिनिमाइज करना है, तो आपका आंसर में इंक्रीमेंट 1 होगा, इसको निकालो इसको निकालो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। किसको निकालेंगे, जिसका ज्यादा पैसा है, ताकि वो थोड़ा अच्छे से पैसा दे सके बाकी सबको इक्वल करने के लिए, है ना। तो हमेशा सबसे बड़ा से निकालना चाहिए। अब मानो मैं 8 को निकाल दिया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सबको इक्वल हो जाए। मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं चाहता क्यों भाई, आंसर 0 रहे, 0 रहेगा मतलब किसको निकालना ही नहीं पड़ रहा, किसको निकालना नहीं पड़ रहा, सबके बराबर है, ऐसा तो है नहीं इस केस में, निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या चाहूंगा कि आंसर 1 रहे, है ना। भैया अब इसको और 6 7 होने के, क्योंकि इसको कुछ है नहीं, ये सब कुछ 7 हो नहीं सकते, तो एक मूव होने से कहा अपना ऐसे कभी भी 1 नहीं सकता, है ना। आप बोलोगे भैया आप 8 निकाल, मैं 1 2 निकालता, तो कभी होता ही नहीं, आप कॉमन सेंस लगाइए निकाल दीजिए। अब आपको पता है आंसर 1 तो कभी नहीं हो सकता, 2 कोशिश करें, अब 2 में कौन से 2 को निकालना चाहिए, हैवी हैवी कौन से 2, ये 2, तो ये दोनों को निकाल देना चाहिए, है ना। 15 रुपये अपने पास आ गया हाथ में। अब क्या चाहते हैं अपने, अब अपने चाहते हैं क्या भाई बताओ यार, अपने चाहते हैं कि सब कोई 5 के बराबर हो जाए, राइट। अच्छा, अपने पास 15 रुपया है, तो इसको 4 दे दूंगा मैं, इसको 4 दे दूंगा, इसको 3 दूंगा, राइट, इसको 2 दूंगा, इसको 1, इसको 0, कितना हो गया, 4 4 8 11 13 14। हाँ भाई, मेरे पास 15 रुपया है और 14 दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो या इट्स टोटली फाइन। तो भाई 2 मौके निकालने से आंसर इज पॉसिबल, समझ, आई थिंक क्लियर हो गया भाई, है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पीपीएस में किया हुआ है, आप पीपीएस आपको पता है कि नहीं पता यार, ऊपर आई टाइम में आ रहा है पीपीएस, देखिए प्लेसमेंट सीजन एकदम टॉप पे आ रहा है अभी, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, और पढ़ने के शॉर्टकट है
कोडिंग ब्लॉक्स, कोडिंग निंजा, जीएफजी सेल्फिश, सब कोर्स का निचोड़ पूरा देख के बनाया गया है। 250 क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगा, काफी लोग का प्लेसमेंट अच्छे अच्छे जगह पे हो गया है एंड सबका इंटरव्यू सुन लेने वाले हैं हम लोग, जिससे इसका फायदा हो गया है। बट मीन भाई आप क्यों मौका गवा रहे हो, पढ़ो, स्टार्ट करो यार, प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, खुद मेरे को बताइएगा, बस 7 दिन ट्राई कीजिए, फिर आप मेरे को बताएंगे भैया कैसा लग रहा है। ठीक है, एनी वे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अभी अपना हो गया, बस यही तो करना है भाई। कितना टाइम में हो रहा है एंड स्क्वायर, आप बोलोगे भैया इसको निकाल कर देख रहे हो सब में दे पा रहे हो कि नहीं, इसको निकाल के देख रहे हो सब में दे पा रहे हो कि नहीं, जरूरत है ऐसे करने का? मतलब मान लो मैं आप 7 को निकाले, ठीक है चलो, तो क्या देखना है आपको कि सबको ही 5 के बराबर हो सकते हैं कि नहीं, है ना? अगर आपको यहाँ का प्रीफिक्स सम पता है, मान लो क्या है 1 + 1 = 2 + 2 = 4 + 3 = 7 + 4 = 16, अच्छा आप क्या चाहते हो भाई सबको ही 5 हो जाए, तो ये भी 5 5 5 5 5 5, सबके 5 हो जाएंगे तो प्रीफिक्स सम क्या होगा 30। अच्छा अभी क्या है 16, तो आपको कितना देना है 14, समझ गए? आपके है कितना 15, हाँ भाई दे सकते हैं भैया, खत्म, ओ फन हो गया। आप इधर जाओ यहाँ तक का प्रीफिक्स सम निकाल लो भाई, कितना हो रहा है और कितना देना है आपके, कितना है अगर इधर, जब आप इधर से मान लो क्या आपको सबको 7 करना था, तो इसको 6 देना पड़ेगा, इसको 6, इसको 5, इसको 4, राइट, इसको 3, इसको 1, है ना? तो आप सबको ऐड करोगे भाई 12 17 21 25 पर है भैया, और अपने पास तो है 8, तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अब इधर आ गए तो भैया आप सब देखे सारा 14 हो रहा है, आपके पास है 15, पॉसिबल, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट से 2 ये होता है आंसर 2। आई थिंक नहीं चाहिए भाई एक्सप्लेनेशन, आपको बहुत होशियार हो, है ना? एक बार मैं कोड पे जाता हूँ, बेटर समझ जाएंगे वहां पे, ठीक है? मैं ड्राइन करा दूंगा केस, ठीक है? देखिए आप क्या, मान लो ये केस रिटर्न ड्राइन करा देता हूँ, चलो आपको 2 1 2 1 1, ठीक है? तो क्या करें, शॉर्ट मार दो भाई, मारो, अगर आप शॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2, है ना? लास्ट ही शॉर्ट करना है भाई, लास्ट ही, इधर कुछ नहीं है तो क्या सबको कुछ नहीं, मतलब आपके हाथ में कितना 0 रुपीज है, आपके हाथ में 0 रुपया है, आपको क्या करना है, आप सबको 2 के बराबर करना है, राइट? अच्छा सबको 2 के बराबर करना है तो कितना आपको चाहिएगा, 3 रुपये, आपका 0 रुपया, अब इधर गया भाई। अच्छा अब इधर आ गया तो आपके हाथ में कितना रुपया है भाई, 2 रुपया है मेरे भाई। अच्छा आपको क्या करना है, सबको इतने को 2 के बराबर करना है, 1 + 1 2 + 1 3, आपको चाहिए 3 रुपया, अगेन नॉट पॉसिबल। अब और पीछे आ गए भाई, आपके सब कितना रुपया है, 4 रुपया भाई, और सबको क्या करना है, आपको 1 ही करना है ना, 1 ही करना है, तो 0 0 इन्वेस्ट करना है, आपका है 4 रुपया, यू कैन डू इट इजीली, राइट? तो आपका कितना मॉक निकल रहे हैं, 2 मॉक निकल रहे हैं भाई, देखो आंसर 2 है भाई, क्लियर एकदम मेरे को लग रहा है आपको। आप लोग भी बोल रहे होंगे भाई एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो, ठीक है कोई नहीं, सब्सक्राइब बटन मार देना, वीडियोस अभी आएंगे रेगुलर जी, ठीक है? यहाँ पे क्या है बताइए, क्वेश्चन इनपुट दे दिया हूँ, अरे इनपुट दे दिया, शॉर्ट मार दिया, प्रीफिक्स अरे बना दिया, बनता है राइट? नहीं समझ में आ रहा तो पॉज कर दो भाई, वो आपके कंट्रोल आपके हाथ में है, राइट? ठीक है मैं क्या किया भाई, लास्ट से स्टार्ट करूंगा, लास्ट पे गया पूरा, लास्ट पे क्या बोला मैं कि मैं जहाँ पे इतना तक का मैं ये जो एलिमेंट है वो मेरा टारगेट है, सबको उसके बराबर बनाना है ना, तो जो लास्ट एलिमेंट में टारगेट है तो मेरे को कितना चाहिएगा एक्स्ट्रा, लास्ट एलिमेंट इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट? लास्ट एलिमेंट सिंस 0 बेस इंडेक्सिंग है तो i+1 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ, और लास्ट एलिमेंट है a(i), जहाँ हूँ मैं अभी बेसिकली, ये मेरे को चाहिए सम, और बस है कितना प्रीफिक्स ऑफ i, वहां तक का प्रीफिक्स सम, अच्छा जितना आ रहा है उतना मेरे को सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? प्रीवियस में क्या है मेरे पास कितना बैक से एक्यूमुलेट हुआ है, अगर प्रीवियस नहीं देता तब या प्रीफिक्स माइनस वो करोगे तो आपका आ जाएगा, आप समझ पा रहे हो राइट? मतलब क्या, अगर आपको इतना तक का सम, आपको इतना का सम निकालना है और इतना आप छोड़ चुके हो, तो इसका कैसा आएगा, प्रीफिक्स ऑफ दिस माइनस प्रीफिक्स ऑफ दिस, मतलब प्रीवियस एक मेंटेन कर दिया इसके लिए, एक ही बात है भाई। तो अगर मेरे पास जितना है वो जितना चाहिए उससे ज्यादा है तो आंसर इज लास्ट से कितने छोड़े हैं ना, n-1-i, नहीं तो ब्रेक, नहीं तो क्या करोगे, जो अभी है वो हो नहीं सकता तो उसको प्रीवियस में ऐड कर दो भाई और आगे बढ़ जाओ, मतलब पीछे चले जाओ, और फिर सेम प्रोसेस रिपीट करो, इतना ही करना है भैया, कुछ नहीं करना है, ठीक है? और भैया आप नीचे कुछ सी आउट वगैरह नहीं किया, क्योंकि आपका वर्स्ट केस में 1 तो आंसर हो गया, मतलब मान लो कि बहुत सारे लोग थे, है ना? तो अटेंड क्या होगा, आपके एक ही आदमी बचेगा और उसको उसी के बराबर करना है, तो 0 रुपया चाहिए, आपका कुछ रुपया तो अभी रहेगा ही ना, तो हमेशा इसी रूप में आंसर आपका एंड अप हो जाएगा, ठीक है? बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? या आई थिंक आपसे बनना चाहिए था, अगर आप थोड़ा सा भी चैनल को फॉलो कर रहे हो प्रीवियसली तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है? अगर नहीं बना तो कोई नहीं, वी आर स्ट्रांग, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट? ठीक है गाइस, कुछ भी डाउट्स है मन में मत रखना, डाउट्स आर द बिगेस्ट किलर,
आराम से बेझिझक पूछिए कमेंट्स में, वी आर देयर फॉर योर रिस्पॉन्स टू रिप्लाई। ओके, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाल बटन दबाइएगा, जय हिंद।